गाइस हमारी चिमनी आ चुकी है। देख इसमें MIT 4X टीवी भी रखी हुई है, किसी ने रियलमी की ऑर्डर की है, रियलमी की भी रखी हुई है। यानी कि MI और Realme बहुत चल रही है। ये थॉमसन की है टीवी, थॉमसन की भी अच्छी है। ये भगवान ये बंदा गिर ना जाए, इतने पतले से उस पे खड़ा। चिमनी तो यार दो चार रखी हुई है। तो कैसे आटे पे, आटा नहीं है पेडिग्री है, डॉग फूड है। कैसे खड़े हो रहे हैं, उसके पैर रख रहे हैं। अच्छा आटा नहीं है, करेक्ट, पैर रख के कैसे खड़े। यू नो वॉट, सर्फ डाल के हमेशा इसको बंद किया करो, अदरवाइज सर्फ को अंदर नहीं जाने देगा, चमत्कार नहीं होगा। तभी मैं कहूँ कपड़े ढंग से धुल क्यों नहीं रहे हैं, आपके राज्य में धुल भी नहीं पा रहे। अपना राज्य अपना ना, तो ढंग से धुलेंगे। तेरा राज्य रहेगा ढंग से धुलेंगे ना, तो अपने राज्य में इधर है ना, वो अभी रह गई है वरना वो बंद रहते। कैमरे में तो देखो दोनों कलर थोड़े सिमिलर से दिख रहे हैं। हाँ तो वही है, वो सिमिलर हो। हमको आँखों से कुछ और दिख रहा है, यहाँ कुछ और है। आपको भी दिख रहा है क्या, लग रहा है अंतर लग रहा है कलर में? हाँ। यानी आँखों का छलावा है, ये सच्चाई नहीं है। आपको कितने साल हो गए भैया ये काम करते करते? कितना? 14 साल। बचपन में से कर रहे हो ये काम? ओ 11 साल के, तब से आप ये डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो और काम इतना फिनिशिंग वाला तब से कर लेते हो? 11 साल से कोई कर रहा, 11 की एज से कोई करना शुरू कर देता है? नहीं मतलब 11 साल का बच्चा क्या इतना फिनिश काम कर सकता है? अरे तो शुरू में थोड़ी इतना करते होंगे, तब शायद पापा का साथ देते होंगे। सीखते 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 हो जाता है, 8 साल। सही बात, तुम करने लग जाओ। मैं तो करूंगा ना कल। मैं कुछ और करूंगा, लेकिन हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइज मैं नीचे वाले रूम में हूँ, मतलब घर में जो फ्रंट में जो रूम बना हुआ है उसमें हूँ। मेरा आज चिमनी आ गया है, ऑर्डर किया था अमेजोन से, आज ही आया है। और मेरा जो बेडरूम है इसमें डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया होगा। तो वो वहाँ से जितना भी हमारा सामान था जिसपे हम लोग रात में सोते थे, मैट्रेस और ये जो हमारा बेडशीट वगैरह सब यहाँ रख दिया। ये देखिए इस रूम की तो पूछो ही मत। अब आज उस वाले कमरे में पेंटिंग डेंटिंग हुई है, तो पता नहीं उसमें ऐसी स्मेल आएगी पेंट वाली रात में, पता नहीं वहाँ पर लेट पाएंगे कि नहीं, क्या समझ नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा आपको दिखा के आती हूँ कि ज़रा क्या चल रहा है काम में भी। मेरा रूम तो पूरा हो गया है और मेरा वार्डरोब के अंदर भी थोड़ा सा टूटा फूटा हो गया था जगह, जो वो भी सब कर दिया अच्छे से। और अभी पेंटिंग चल रही है, मैंने पूछा भैया आज कर दोगे, बोले हाँ आज कर देंगे। अगर उन्होंने आज कर दिया तो परसों नरसों तक देखो मैं अपना बेड अगर लगवा पाऊँ। वैसे तो मेरे बेड में गति वालों ने बहुत गति मचा दी है, तो उसका अभी डेंटिंग पेंटिंग करवाना पड़ेगा। उसमें इतने सारे स्क्रैच आ गए हैं ना, इस वजह से वो भी अभी पता नहीं रख पाएंगे कि नहीं, बट एटलीस्ट रूम पेंट हो जाएगा तो मुझे इस बात की तसल्ली तो हो जाएगी। और मैं वार्डरोब तो गाइज अपना धीरे धीरे लगा ही रही हूँ, मैंने थोड़ा सा कल भी रखा था, परसों भी रखा था, आज फिर रखूँगी। ऊपर से और कपड़े लेके अभी आऊँगी, मैंने निकाल के रख दिए हैं क्योंकि मेरी एक ट्रॉली ऊपर रखी है ना, उसको पूरा खाली खाली किया है, एक बैग खाली किया है। तो मम्मी ने कहा अब शाम को जब ये लोग चले जाएं तब खाली करना, तब फिर नीचे मैं जाऊंगी, तब मैं उसमें जो और मेरे कपड़े सेट करूंगी जाके। क्योंकि मैं अभी तो पता क्या, मैंने वार्डरोब खोला तो उसमें हल्की सी वो पी उन्होंने पुट्टी किया था उस जगह पे, पर नीचे मेरी वार्डरोब पे थोड़ा कुछ फैल गया है बुरादा बुरादा जैसा। तो मैंने, मेरे पास नाइटी रखी थी, मैंने कहा नाइटी तो धुल जाएगी दोबारा से,
उसको नाइटी से पूरा वो जो मैंने कपड़े लगा दिए उनको कवर कर दिया, वरना पूरे बिगाड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा इतनी मेहनत से मैंने लगाए हैं तो मैंने जस्ट कवर कर दिया है। और गाइज अभी भी लंच करके नीचे आई मैं हस्बैंड के साथ, क्योंकि दो चार राउंड मारते हैं हम दोनों लोग नीचे के क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो अभी मैं पेंटिंग देखने आई थी कौन सी हो रही है, और कलर भी देखना पड़ता है कि कहीं भी ज़रा भी ऊपर नीचे कलर नहीं होना चाहिए कि बीच में पैच वर्क लगे। तो अब देखो फाइनल कैसा बन के तैयार, क्योंकि वो भैया कह रहे थे कि अगर कोई और कलर होता तो शायद पैच वर्क नहीं दिखता, लेकिन नेवी ब्लू कलर है इसलिए मे भी दिख सकता है। तो वही अब मैं वेट कर रही हूँ वो पूरा वॉल हो जाए फिर ड्राई हो जाए, फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। और गैस अभी टाइम ऐसा 3 बज रहा है लगभग। आज हम लोगों ने खाने में खाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी खाई थी और पराठा बनाया था मैंने, तो ऐसे ही मुझे मन था पता नहीं क्यों पराठा खाने का। सुबह तो हम लोगों ने ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था थोड़ा बहुत कुछ, फिर अभी और मम्मी का आज एकादशी का व्रत है तो उन्होंने कुछ खाया नहीं है, बाकी सबने पराठे और सब्ज़ी खा ली थी। और गैस यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा होगा उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, ये शोर शराबे से मुझे मुक्ति मिल जाएगी लगभग 10-12 दिन में फाइनल। गैस अपने इन कार्टन को अभी खोल के भी देखना है कि इनमें क्या चीज़ कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि इसमें क्या चीज़ है जिसमें फंगस लग गई ना हो कहीं, क्योंकि यहाँ तो कपड़ों में भी फंगस लग जाती है बारिश के मौसम में। तो अभी तो मेरे को तो पता भी नहीं कि इसमें क्या रखा है, खोलना पड़ेगा अभी। चलिए गैस हस्बैंड आ रहे हैं लग रहा, उतर के बाय कर देती। अरे इतना किर आवाज़ आ रही थी, कोई बात ही नहीं समझ में आई हो किसी को भी, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं लगा ही नहीं आंटी को, एक्यूपंक्चर कर देते फिर जाते ना यार। यू आर वन मोर, इतना तो लेट आते हो एक तो। कितने बजे आओगे? 8, 9, 10, 11, 11 बाय। मम्मी यहाँ क्या कर रही हो बैठ के, कथा सुन रही हो? गाइज आज देखिए मम्मी भी यूट्यूबर जैसी लग रही हैं मुझे मतलब यूट्यूबर नहीं, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए मेरे सब्सक्राइबर जैसी, हालांकि मेरी वीडियो नहीं देख रही हैं, देख किसी और की नहीं। बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं दोनों लोग। गाइज हम तीनों लोग नीचे आ गए हैं, इस रूम में लेटेंगे थोड़ी देर, मम्मी अपना कुछ कथा वगैरह सुन रही हैं और डीनो अपना कुछ देख रहे हैं, कुछ कार रेसिंग वगैरह कुछ देख रहे हैं, और मैं तो सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे सोने आए, यहाँ इतनी किरकाएँ हो रही है, पर मैं फिर भी सो जाऊँगा, मिलूँगी शाम को। गाइस ये वाला मेरा जो पेंट था वो ना वो हो चुका है फाइनली, और मैं आपको कबर्ड में दिखाती हूँ। मैंने उस दिन कल मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह लगाए थे काफ़ी सारे, नीचे देखिए ये जो ये पड़ा हुआ है ना ये, इसकी वजह से मुझे लगा कपड़े गंदे ना हो जाए, मैंने एक अपनी नाइटी से उसको कवर कर दिया। ये सब तो खैर बंद है तो इनको कुछ हार्म नहीं होगा, लेकिन जो खुले हुए हैं उनको हार्म हो सकता है, लेकिन अब नहीं होगा। गैस अभी मैं एक और ट्रॉली लेके आऊँगी ऊपर से, ट्रॉली नहीं मतलब के कपड़े मैंने निकाल के रख दिए थे वो कपड़े लेके आऊँगी लगाऊँगी इसमें। आप लोग को एक बात बताऊँ, आज मेरे पापा ना यहाँ पे बहुत तेज़ गिर गए, कैसे गिरे क्या हुआ था वो बताती हूँ बैठ के। आपको दिख रहा रखा हुआ ये मेरे बेड का, दरअसल पैर वाला पैर साइड में लगाने वाला वो है ये ना, इसी की वजह से गिरे हैं पापा। क्या दरअसल जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ये कमरा कुछ गूंज रहा है, यस सी, हमें बाहर जाना चाहिए, ये तो भूतों जैसा लग रहा है, चलो बाहर। गाइस मैं दरअसल दूसरे रूम में आके बैठी हूँ, यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है और आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हमारे यहाँ पे काम ख़त्म हो गया तो वो लोग चले गए हैं, अभी शाम को चले जाते हैं 5:30 तक। थोड़ा आज तो लेट तक काम किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड की क्लिनिक का कुछ बना रहे थे वो लोग, और बाहर अभी भी किर किर हो रही है, यानी यहाँ पे और किसी घर पे भी कुछ थोड़ा बहुत काम करा रहा है शायद।
तो गैस दरअसल हुआ क्या, कुछ बना के वहाँ रखा हुआ था छोटा सा, ऐसे कुछ क्या बना था, स्टूल जैसा कुछ रखा था उधर, ऐसे लंबा लंबा शेट्टी जैसा कुछ रखा हुआ था, और उस उधर पूरा बगल में वॉल के बगल में वो छोटे छोटे ये बोर्ड कार्डबोर्ड सारे वेस्ट वाले ऐसे रखे थे एक साथ। तो पापा ने वो पतला सा भैया है, वो बहुत सूखे से हैं ऐसे बिल्कुल छोटे से, तो वो उठाने लगे अकेले, तो पापा ने सोचा लो मैं हेल्प करा दूँ। तो अब उस वो रूम में एक तरफ पापा ने पकड़ लिया, एक तरफ उन्होंने पकड़ लिया, और वो टर्न ऐसे करके लिया गेट से बाहर निकालने के लिए। तो हुआ क्या, पापा ने जब उसको पकड़ा हुआ था तो उसने मतलब पता नहीं क्या उन्होंने किया, वो थोड़ा पुश कर दिया इस तरीके से, जानबूझ के नहीं, लेकिन हो गया गलती से, और पीछे इतना सब वो तामझाम पड़ा हुआ है, और वहाँ पे वो शेट्टी जैसा पड़ा था, तो पापा का बैलेंस नहीं बना बिल्कुल, और उनकी नाक में वो जो मतलब उसका जो बेड का जो वो पोर्शन है नाक पे लगा, उनके लाल हो गई नाक, और वो पीछे इतना बुरी तरीके से गिरे हैं। मैं और हस्बैंड तो इस वाले कमरे में थे क्योंकि हमारी डेंटिंग पेंटिंग शुरू होने वाली थी, तो हम लोग देख रहे थे कहाँ से शुरू करेंगे, तो वहाँ खड़े थे हम लोग। पर कुछ ऐसे आवाज़ आया क्योंकि वो पापा वो इतने सारे पीछे बोर्ड वोर्ड रखे थे उस पर गिरे, मेरा तो दिमाग घूम गया कि कुछ आवाज़ आई बहुत तेज़, इतने पापा की ऐसा आवाज़ सुनाई दी, वो पापा उसको बहुत तेज़ चिल्लाने लगे उसके ऊपर, पागल है तू ये वो जो भी मतलब। तो मैंने ऐसे करके देखा, अब पापा को मैं तो कभी ऐसे टच करके उठाती नहीं हूँ उनको, और ये एकदम से गए पापा को उठाने लगे, और मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा बिल्कुल, मैं कह रही पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से उनको मैंने गिरा हुआ देखा, मुझे लगा ऐसा ना हो चोट बहुत ज़्यादा आ गई है उनके बैक में, वैसे भी उनको बैक की शिकायत रहती है, उनको डिस्क का प्रॉब्लम है। मैंने कहा बाप रे मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरे तो पूरे हाथ पैर हिल गए वो सीन देख के। हस्बैंड ने उनको एक तरफ से उठाया, एक तरफ से दूसरे बंदे ने उठाया, और अभी समझ लीजिए पापा को ये उठा रहे थे तो मैं इनको पकड़ के खींच रहा हूँ, सोच के कि पापा को तो मैं डायरेक्ट उठाता नहीं या टच नहीं करूँगा ऐसे, पर मैं अपने हस्बैंड को ऐसे करके उनका हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ। बाद में बोल बोल के मुझे हंसी भी आ रही इनफैक्ट, क्योंकि मेरे पापा को अभी चोट वोट नहीं लगी, ठीक है वो चल फिर रहे हैं आराम से, खा पी रहे हैं सब है आराम, मतलब उनको ज़्यादा चोट नहीं है, बस थोड़ा स्क्रैच आ गए पीठ पे उनके, बाकी तो वो ठीक है। लेकिन मैं बाद में ये चीज़ सोच रही और मम्मी को बोल रही कि मम्मी मैंने कहा पापा को ना उठा के, ये पापा को उठा रहे थे तो मैं इनको खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा मे भी पापा को उठाने के लिए थोड़ा तो चाहिए ताकत, तो मैं इनको खींच रहा हूँ। गैस अभी मैं फिर भी हंस रही हूँ, नहीं तो वो जो उस समय नज़ारा था ना, मेरी आवाज़ सुन के तो मम्मी ऊपर से नीचे आ गई, क्योंकि वैसे तो नीचे से कोई चिल्लाता भी रहे तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन सोचो मैंने कैसे बोला होगा जो मम्मी को सुनाई पड़ा। अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मम्मी ऊपर है, मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मम्मी की आवाज़ आ रही है मुझे चूड़ियों की, यहाँ जाल पे से जाल लगा हुआ ना जहाँ पे वहाँ से, तो चलिए गए ऊपर चलते हैं चाय वाय पियेंगे चल के। चलो चाय बन रही थी और पता नहीं दिमाग यहाँ वहाँ चला गया तो ये देखिए निकल गई। इसकी सफाई कौन करेगा आप? अभी टाइम हो रहा है 7 के करीब, अभी 7 बजे नहीं बजने वाले हैं, चाय वगैरह पी ली है हमने और व्लॉग ख़त्म करूँगी अब मैं, क्योंकि मुझे अभी डिनर की तैयारी करनी है, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी दाल वगैरह कुछ बनेगी, मम्मी तो खाएंगी नहीं आज, इनका एकादशी का व्रत है इसलिए इन्होंने चाय के साथ कुछ लिया भी नहीं, खाली चाय पी गई। कैसी लगी चाय मम्मी? राधे राधे करो। अच्छी राधे राधे। अच्छी नहीं पूछी, मतलब विदाउट कुछ खाने के साथ कैसी लगी? व्रत में तो कुछ नहीं, खाना नहीं है तो ठीक है, खाना नहीं तो खाना नहीं है। तो गाइस असी अब बनावेंगे डिनर। मम्मी सुबह की ट्रेजेडी बताई है मैंने मम्मी, पापा की अम्मी चोट लगते लगते बची है। अच्छा अम्मी जब ये पापा को उठा रहे थे हम इनको यूं कर रहे थे पापा उठो। अम्मी मेरे को वजी आ रही है मतलब, नहीं तो उस समय देखो मेरे तो होश पाकता। पापा को ऐसा कभी देखा नहीं ना गिर गए करके, मैं तो बिल्कुल देखा है नहीं कभी। हम ये उठा रहे पापा को और मैं इनको यूं पापा उठो पापा। बाप रे अभी मैं बता रहा हूँ तो मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि मैं इनको इस तरीके से खींच रही थी, मैंने आपको डेमो करके दिखा दिया है। चलिए गाइस मैं अभी ब्लॉग खत्म करूंगी और मिलूंगी आप लोगों से कल।
कल मैं सोच रही हूँ कुछ मेरे रूम में, मैं सोच रही हूँ कुछ DIY करना है मुझे, तो मिलते हैं फिर कल, करते हैं कुछ। तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाज़त, सायोनारा, बाय बाय। मम्मी बाय करो, बाय।